फ्रेंड्स, दिस इज पंजवानी अगेन। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो लेक्चर में हमने साइन अप का कोड कंप्लीट कर लिया था, सक्सेसफुल साइन अप हो रहा था। अब हमें एक नेविगेशन बार क्रिएट करना है जो यूज़र लॉगिन के बाद हमें दिखाना है। ठीक है, तो जैसे हमने यहाँ पे ये नेविगेशन बार बनाया है, एडमिन साइट पे भी बनाया है, तो उसी तरीके का एक यूज़र साइट पे भी बना देते हैं। तो ये हमारा नेविगेशन बार, जो हमने कॉमन नेविगेशन बार बनाया था एनोनिमस यूज़र्स के लिए या गेस्ट यूज़र्स के लिए। ठीक है, तो इसी को कॉपी करते हैं और एक नया साइन अप नेविगेशन बार का पेज बना लेते हैं। तो टेम्पलेट्स में हमें जाना है, टेम्पलेट्स पे राइट क्लिक करता हूँ और एक HTML फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। तो इसका नाम मैं दे दिया यूज़र नेविगेशन, जो भी आपको नाम देना हो दे सकते हैं, यूज़र नेविगेशन डॉट HTML। एंटर कर दिया। अब ये हमारे पास पेज ओपन हो चुका है, इसमें मैंने पेस्ट कर दिया जो मैंने लिखा था नेविगेशन डॉट HTML के अंदर। अब यहाँ पे हमें कुछ ऑप्शंस चेंज करना है, जैसे आप देख रहे हैं ये होम लिखा है यहाँ पे। अब ये होम पे क्लिक करने से मैं चाहता हूँ यूज़र का जो होम पेज है वो ओपन होना चाहिए। तो यूज़र का जो होम पेज था वो था प्रोफाइल। ठीक है, लॉगिन के बाद जो हमारे पास पेज आ रहा था वो प्रोफाइल नाम का पेज आ रहा था। एंड होम के बाद हम क्या दे देंगे उसको, नोट्स अपलोड करने का ऑप्शन रहेगा, नोट्स डाउनलोड करने का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, अपलोड नोट्स। तो यहाँ मैंने लिख दिया अपलोड नोट्स। उसके बाद एक ऑप्शन दे दिया व्यू माय नोट्स, मतलब जो नोट्स उस पार्टिकुलर यूज़र ने अपलोड किए हैं तो वो अपने नोट्स देख पाएगा, व्यू माय नोट्स। देन आफ्टर यहाँ पे मैंने दे दिया व्यू ऑल नोट्स, मतलब सभी ने जो अपलोड किए हैं, आपने या अदर यूज़र्स ने, वो सभी नोट्स आप व्यू कर सकते हो। तो उसके लिए एक लिंक हम बना देते हैं व्यू ऑल नोट्स। इन सब का पेज भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद एक लॉग आउट का ऑप्शन दे देते हैं या एक चेंज पासवर्ड का ऑप्शन यहाँ पे हम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लॉग आउट। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद एक मैं ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनाने के लिए क्या यूज़ कर लेता हूँ, डिवीज़न का यूज़ कर लेता हूँ, स्मॉल लेटर्स में यूज़ करता हूँ। ये सब अभी हमने यूआरएल्स नहीं बनाए, तो इनको मैं हैश लगा देता हूँ यहाँ पे, अदरवाइज हम आउटपुट नहीं देख पाएंगे। तो सभी में मैंने हैश लगा दिया। लॉगआउट तो हम बना चुके हैं वैसे, जो हमने एडमिन के लिए लॉगआउट का फंक्शन यूज़ किया था व्यू के अंदर, वही हम इसके लिए भी यूज़ कर लेंगे। तो यहाँ पे लॉगआउट लिख देते हैं। इतना पहले एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ। तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, मैंने ईमेल आईडी पासवर्ड एंटर किया। ठीक है, लॉगिन सक्सेसफुली। अब यहाँ पे तो अभी कुछ नहीं आ रहा, क्योंकि प्रोफाइल पेज तो हमने बनाया है बट प्रोफाइल के अंदर नेविगेशन बार को इंक्लूड तो किया नहीं है। तो हम ओपन करते हैं प्रोफाइल डॉट HTML। एक बार मैं एडमिन होम देखता हूँ, वहाँ पे मैंने कैसे इंक्लूड किया था, एक्सटेंड का यूज़ करके। तो यही तरीका हम यहाँ भी यूज़ कर लेंगे।
ठीक है, हम यहाँ पे नाम दे देते हैं यूज़र नेविगेशन। यूज़र नेविगेशन को क्या करना है, एक्सटेंड करना है, स्टैटिक को लोड करना है, ब्लॉक बॉडी ओपन करना है और क्लोज कर देना है। एंड ब्लॉक लगा दिया। ठीक है, अब एक बार रिफ्रेश करके देखते हैं कुछ चेंज आ रहा है क्या। ठीक है, तो आप देख रहे हो ये इस तरीके का नेविगेशन बार यहाँ पे आ गया। ठीक है, परफेक्ट। अब उसके बाद मैं चाहता हूँ वेलकम के साथ यूज़र का नाम लिखा हुआ आ जाए, तो उसी के लिए मैं यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन बना रहा था। तो कहाँ बना रहे थे हम, नेविगेशन में। ठीक है, तो ये हमारा अनऑर्डर्ड लिस्ट है। अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज करने से पहले मैं यहाँ पे एक डिव टैग यूज़ कर लेता हूँ। और यहाँ मैंने क्लास लगा दी, डायरेक्ट या तो बटन बनाते हैं। ठीक है, चलो एक क्लास लगा देते हैं, बटन ग्रुप। ठीक है, बटन ग्रुप क्लास यूज़ कर ली। एंड उसके बाद मैं इसके अंदर एक बटन बना लेता हूँ। तो मैंने बटन टेक का यूज़ कर लिया, बटन ओपन, बटन क्लोज। एंड बटन कैसा है, सबमिट का बटन है या नॉर्मल बटन है, तो एक नॉर्मल बटन बनाना है। तो टाइप क्या यूज़ कर लेंगे इसका, बटन टाइप इक्वल टू बटन। एंड उसके बाद इसमें कुछ कलर वगैरह बटन में देना है, तो क्लास यूज़ कर ली और बटन बटन प्राइमरी का यूज़ कर लिया ताकि ब्लू कलर आ जाए। देन आफ्टर मुझे इसको एज अ ड्रॉप डाउन यूज़ करना है, तो ड्रॉप डाउन यूज़ करने के लिए कुछ क्लासेस, ड्रॉप डाउन टोगल। ठीक है, और डेटा टोगल भी हमें लिखना पड़ता है जब भी हम ड्रॉप डाउन मेन्यू बनाते हैं, तो डेटा टोगल भी आपको बताना पड़ेगा। तो डेटा टोगल में आपने बता दिया ड्रॉप डाउन। ठीक है, इतना करने के बाद आप कुछ आइकॉन वगैरह भी इसमें यूज़ कर सकते हैं, फोंटोसम से, या बहुत सारी वेबसाइट होती हैं आयोन आइकन से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो बटन को मैंने क्लोज कर लिया, लेकिन यहाँ बीच में मैं क्या लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेलकम। बटन के ऊपर ये लिखा हुआ आएगा वेलकम। और मैं चाहता हूँ जिसने लॉगिन किया है वेलकम के बाद उसका नाम आ जाए। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं रिक्वेस्ट डॉट यूज़र, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। ठीक है, फर्स्ट नेम आ जाए। ठीक है, तो ये यूज़र जो हमारा मॉडल था उससे हमें फर्स्ट नेम मिलेगा, रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट फर्स्ट अंडरस्कोर नेम। इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं। ओके, तो आप देख रहे हैं ये कुछ इस तरीके का आ गया। ड्रॉप डाउन क्लास यूज़ की थी तो ये आइकॉन भी आ गया, बट हमने ड्रॉप डाउन में कुछ लिंक्स नहीं दिए हैं, तो ड्रॉप डाउन में कुछ लिंक्स भी देना है। तो बटन क्लोज करने के बाद हम एक डिव बना लेते हैं। डिव ओपन कर लिया, क्लोज कर लिया। अब इसमें मैंने क्लास यूज़ कर ली, ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो ये हमारा ड्रॉप डाउन मेन्यू रहेगा, मतलब उस आइकॉन पे जब हम क्लिक करेंगे बटन पे, तो ये जो डिव है वो ओपन हो जाएगा और दोबारा क्लिक करेंगे तो क्लोज हो जाएगा। अब ये ओपन क्लोज होगा तो उसमें क्या क्या लिंक्स दिखाने हैं, उसके लिए हम इसमें कुछ लिंक्स बना देते हैं। तो एंकर टैग में मैंने क्लास यूज़ कर ली, ड्रॉप डाउन आइटम। ठीक है, और HREF के अंदर लिंक तो अभी मैंने कुछ भी नहीं दिया, हैश लगा दिया। हम पेजेस बना लेंगे, उसके बाद हम लिंक्स प्रोवाइड कर देंगे। और यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रोफाइल। ठीक
ठीक है, आप अपनी प्रोफाइल अगर देखना चाहते हो तो इस पे क्लिक करोगे, मतलब पहला पेज खुल जाएगा। ठीक है, पहले पेज का तो खैर यूआरएल हम यहाँ दे सकते हैं, फिलहाल अभी हैश लगा दिया है, तो इसको मैं 3 बार कॉपी कर लेता हूँ, 3 बार कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। प्रोफाइल, प्रोफाइल के बाद में दे देता हूँ एडिट प्रोफाइल का ऑप्शन। उसके बाद एक ऑप्शन देता हूँ चेंज पासवर्ड का। ठीक है, अब हम देखते हैं आउटपुट। रिफ्रेश किया, अब आप देखेंगे यहाँ पे ये ड्रॉप डाउन आ चुका है। परफेक्ट। ठीक है, मैं यहाँ पे अगर इसमें टेक्स्ट सेंटर का भी यूज़ कर सकता था, यहाँ पे लगा के देखते हैं टेक्स्ट सेंटर। ठीक है, ये सेंटर में नहीं आ रहा। अगर हम चाहते हैं प्रोफाइल ये सेंटर में आ जाए तो कैसे हो सकता है? ठीक है, यहाँ तो टेक्स्ट सेंटर लिखने से कोई इफेक्ट नहीं मिला मुझे, तो बटन बटन में ये इसी में लगाना पड़ेगा मुझे, या फिर यहाँ। ठीक है, तो ये इस तरीके से सेंटर में आ गया, जैसा आप चाहते हैं, सेंटर चाहते हैं या लेफ्ट अलाइन चाहते हैं, राइट अलाइन चाहते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग। वैसे सेंटर में ज़्यादा सही नहीं लग रहा, जैसा पहले था वैसा ही रख देते हैं। ये तरीका मैंने बता दिया कि टेक्स्ट सेंटर क्लास यूज़ करके हम सेंटर में कर सकते हैं। ठीक है, अब प्रोफाइल का लिंक तो हम दे सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि प्रोफाइल तो हमारा होम पेज है यूज़र का, वो तो ऑलरेडी हम बना चुके हैं, बट चेंज पासवर्ड और एडिट प्रोफाइल अभी हमने नहीं बनाया है। अब हम लॉगआउट करके देख लेते हैं। लॉगआउट तो हम उसका लॉगआउट का व्यू तो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। ओके, सो आई विल क्लिक ऑन दी लॉगआउट ऑप्शन, सो यू विल सी होम पेज इज ओपन। ठीक है, लॉगआउट हो चुका है और जो हमारा गेस्ट पेज था, फर्स्ट पेज था, वो ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।